शिक्षा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाला एक संस्थान है। बच्चे अक्सर स्कूल जाने से चिढ़ते हैं, होमवर्क करना तो जैसे मुसीबत सी लगती है। आज हम आपको एजुकेशन के कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिसके बाद आपको पता चलेगा कि दुनिया में किस किस तरह के स्कूल मौजूद हैं और वहाँ कैसे पढ़ाई होती है। एजुकेशन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम जितना चाहें पढ़ाई से भाग लें, लेकिन पढ़ाई के बिना हमारा विकास संभव नहीं है। वैसे देखा जाए तो स्कूल और एजुकेशन उतना भी बोरिंग नहीं होता जितना हम सोचते हैं। स्कूल में हमें बहुत सी अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती हैं। तो आइए आज हम बताते हैं स्कूल से जुड़ी कुछ रोचक बातें, जिसे सुनने के बाद आप एजुकेशन को एक अलग ही नजरिए से देखने लगेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्कूल तिब्बत के फुमा चांगथांग में स्थित है। यह समुद्र तल से 5,373 मीटर की ऊंचाई पर एक प्राथमिक विद्यालय है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट कोमोलुंगमा के बेस कैंप से भी 200 मीटर की दूरी पर है। फैक्ट नंबर टू, कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना स्कूल चेंगदू में स्थित है। इस स्कूल का नाम है सीसी हाई स्कूल। इसकी स्थापना 194 ईस्वी में हुई थी। प्राचीन काल में स्थापित इस विद्यालय का वर्ष 1902 में आधुनिकरण किया गया था। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इस विद्यालय में आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि छात्रों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत में स्थित है। सिटी मोंटेसरी स्कूल, जो भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इस स्कूल का नाम साल 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। यह रोजाना 56,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप जानते हैं साल 2014 में इटली के टायुरिन में एक ऐसा प्राइमरी स्कूल था जिसमें सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र था। यह स्कूल दुनिया का सबसे छोटा स्कूल था। स्कूल के अधिकारियों ने इसे तब तक खुला रहने का फैसला किया था जब तक स्कूल में कम से कम एक छात्र हो। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में लगभग 100 बोट स्कूल हैं। ये नाव संचालित स्कूल हैं। बांग्लादेश में बाढ़ की समस्या को देखते हुए इन्हें शुरू किया गया था। वहीं कुछ इलाकों में जुलाई से अक्टूबर तक बारिश के दौरान नदी में जल स्तर 12 फीट तक बढ़ जाता है। ऐसे में सड़कों पर यातायात बाधित हो जाता है, जिससे छात्रों का स्कूल जाना प्रभावित होता है। इस समस्या को बोट स्कूल द्वारा हल किया गया था। प्रत्येक नाव स्कूल सौर ऊर्जा से संचालित होती है, और प्रत्येक नाव स्कूल में इंटरनेट और पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध है। फैक्ट नंबर सिक्स, फिलीपींस में एशिया का अपनी तरह का एक स्कूल है जो रिसाइकल की गई पाइप बोतलों से बना है। इस स्कूल का नाम है बोतल स्कूल। यह स्कूल लगभग 9000 बोतलों से बना है। इन बोतलों को मजबूती देने के लिए प्रत्येक बोतल में बालू, पानी और पुआल भरकर सीमेंट जैसी सामग्री का उपयोग करके इन बोतलों से दीवार का निर्माण किया गया था। इस कार्य में अनेक स्वयं सेवकों ने भी सहयोग किया। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आप जानते हैं जर्मनी में एक ऐसा स्कूल है जो सफेद बिल्ली की तरह दिखता है। दरअसल इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ बच्चे बिल्ली के मुंह जैसे दिखने वाले दरवाजे से स्कूल में दाखिल होते हैं। अंदर से यह सामान्य स्कूल जैसा ही है। डिजाइन की गई बिल्ली की आंखें वास्तव में स्कूल की बड़ी गोलाकार खिड़कियाँ हैं, और बिल्ली की पूंछ की डिजाइन वाली स्लाइड बनाई जाती है जहाँ बच्चे फिसलने का आनंद ले सकते हैं। फैक्ट नंबर एट, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे छोटा स्कूल टर्म फ्रांस में है, जहां कोई भी स्कूल टर्म 36 सप्ताह से अधिक नहीं रहता, जबकि अन्य देशों में स्कूल की अवधि 40 सप्ताह से अधिक होती है। फ्रांस में स्कूल का सत्र अगस्त से जून तक होता है। यहां बच्चे हफ्ते में 4 दिन स्कूल जाते हैं। उन्हें बुधवार, शनिवार और रविवार को 3 दिन की छुट्टी मिलती है। वहाँ स्कूल सुबह करीब 8:30 बजे शुरू होता है और शाम को 4:30 बजे तक चलता है। लंच ब्रेक करीब 2 घंटे का होता है। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आप जानते हैं रूस में बच्चे 1 सितंबर से स्कूल जाना शुरू करते हैं, भले ही वह वीकेंड हो या कोई और छुट्टी। 1 सितंबर को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुबह में एक स्कूल असेंबली होती है जिसके दौरान 11वीं कक्षा के बच्चे पहली कक्षा के छात्रों का हाथ पकड़ते हैं और घंटी बजाते हुए उन्हें स्कूल ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं भारत के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां मई जून में होती हैं, लेकिन चिल्ली में गर्मी की छुट्टियां दिसंबर के मध्य से शुरू होकर मार्च के प्रारंभ तक चलती हैं। वहां पूरे 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं जर्मनी में जब बच्चे स्कूल शुरू करते हैं तो उन्हें सुल्टियूट नामक विशेष पेपर कोन प्राप्त होता है। पहले इन कोन में मिठाई और कैंडी भरी जाती थी। वर्तमान में मिठाइयों के साथ साथ खिलौने, पढ़ाई की चीजें आदि भरी जाती हैं। यह एक तरह का उत्सव है जो दर्शाता है कि बच्चे अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं।
फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कोलंबिया में लास पिनोस नामक एक दूरस्थ घाटी में रहने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए जिपलाइन का उपयोग करना पड़ता है। जिपलाइन ही इस इलाके में आने जाने का एकमात्र जरिया है। बहुत छोटे बच्चों को अकेले जिपलाइन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए वे अपने माता पिता या बड़े भाई बहन के साथ ही सफर करते हैं। यदि जिपलाइन का उपयोग नहीं किया जाता तो बच्चों को वर्षावन से होकर स्कूल जाना पड़ता, जिसमें उन्हें 2 घंटे लगते। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं दक्षिण कोरिया में कक्षाएं समाप्त हो जाने के बाद स्कूली छात्रों को कक्षा को साफ सुथरा रखने का कार्य करना पड़ता है, जिसमें कक्षा में झाड़ू लगाना, वैक्यूम करना और कचरा बाहर फेंकना शामिल है। फैक्ट नंबर 14, केन्या में प्राथमिक स्कूल में प्रवेश करने से पहले बच्चों के लिए प्री प्राइमरी में भाग लेना अनिवार्य नहीं है, हालांकि ज्यादातर बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं जापान में स्कूली छात्र सबसे अधिक स्वतंत्र और अनुशासित होते हैं। वे अकेले स्कूल जाते हैं, अपनी कक्षाओं की सफाई स्वयं करते हैं और अपना दोपहर का भोजन भी स्वयं परोसते हैं। वहाँ स्कूलों में चौकीदार या कैंटीन नहीं होता, उन्हें विशेष अवसरों पर ही लंच बॉक्स लाने की अनुमति होती है। सामान्य दिनों में वे एक दूसरे के साथ एक जैसा ही भोजन करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि स्कूल से जुड़े ये रोचक तथ्य आपको बेहद पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।